और दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक चल रही है। उस बैठक के बीच कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका भी बयान आया, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। वो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो भी जीत सकते हैं उनका हमने पैरवी करी है, और साथ में गुड़गांव जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसके साथ साथ जो है भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दो जगह से मैंने जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट थे उनके बारे में मैंने अपने रिकमेंडेशन दिए। कैप्टन सर, जिस तरीके से अलायंस की बातें चली रही हैं, आपका पर्सनल उस पर क्या मत है? जो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात हो रही है, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, व्यक्तिगत राय तो मेरी ये है कि हम सक्षम हैं खुद लड़ने में, बाकी तो पार्टी ने डिसाइड करना है। फुटप्रिंट्स जो है उनको क्यों दे रहे हैं हम, ठीक है ना? एज ए कांग्रेसमैन मैं ये समझता हूं कि हम अपने आप लड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक मजबूरी है, इंडियन अलायंस की कोई बात है, कोई अगर दूसरे स्टेट्स में अगर हमने काम करना है मिलके, तो देन दैट इज अ डिफरेंट मैटर।